भारतीय मजदूर संघ के जिला उपाध्यक्ष महादेव राणा ने संयुक्त बयान में प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा जो मजदूरों की दिहाड़ी में इजाफा कर अप्रैल से उसे लागू कर दिया है, इसके लिए उन्होंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें जो घोषणा करती हैं उनको अमली जामा भी पहनाती हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की दिहाड़ी बढ़ने से ये उनके लिए कोरोना काल में बड़ी राहत है, जिसका सीधा लाभ श्रमिकों को व उनके परिवारों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा में लगभग 15,000 कामगार हैं तथा पूरे ऊना जिले में करीब 40,000 कामगार हैं जिनको सीधा लाभ मिलेगा। ऊना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ सहयोगी अनुवाला की रिपोर्ट। मैं महादेव राणा आज यहाँ टालीवाल में अपने साथियों सहित हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मजदूरों के बारे में इतना सोचा। पहले भाजपा में धूमल जी की सरकार थी तो उन्होंने मजदूरों की दिहाड़ी के लिए बहुत सराहनीय काम किए, मजदूरों के हित के लिए काम किए और आज यही काम जयराम सरकार जी, हिमाचल सरकार जी ने साबित कर दिया है कि ये मजदूरों के हित के लिए है, मजदूरों के लिए है, पूरी तरह से मजदूरों के साथ है ये सरकार। और मैं अपने साथियों के साथ हिमाचल सरकार का ये तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मजदूरों के लिए जो ये दिहाड़ी बढ़ाई है, बहुत बहुत सराहनीय काम किया। मैं त्रिलोक सैनी प्रदेश सरकार भाजपा जिनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा के अप्रैल से लागू की, उनका बहुत धन्यवाद अपने साथियों सहित बहुत धन्यवाद करता हूँ। मजदूर भाइयों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतना सराहनीय काम किया। मैं मोहित राणा मजदूर संघ का महासचिव सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे मजदूर भाइयों की दिहाड़ी बढ़ाई है। और पहले भी जब धूमल सरकार थी तब भी मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई गई थी और ऐसे ही उनके पचिन्हों पे चलते हुए जयराम सरकार ने भी वही काम को आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज प्रदेश सरकार ने जो मजदूरों से वादा किया था आज उसे पूरा करते हुए नोटिफिकेशन जारी की है, जिससे सभी मजदूरों के वर्गों को राहत मिलेगी और अप्रैल माह से बड़ी हुई तनख्वाह का एरियल भी मिलेगा और अगले महीने से तनख्वाह बढ़कर मिलेगी। कोरोना काल में ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जयराम सरकार का। वैसे भी जब जब भी प्रदेश में भाजपा की सरकारें आई हैं तब तक मजदूरों के हितों का ध्यान रखते हुए उनकी दिहाड़ी बढ़ाई गई है। इससे पूर्व धूमल सरकार में भी दो बार तीन बार दिहाड़ी बढ़ाई गई थी और इस बार जयराम सरकार ने भी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मजदूरों की तनख्वाह में बढ़ोतरी की है और जिससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जिला ऊना में लगभग 40 से 50 हज़ार मजदूर कामगार हैं और उनके 40 से 50 हज़ार मजदूरों के साथ उनके परिवारों को भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा, जिसके लिए जयराम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है।